बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए बी सरस्वती वंदन कक्षा 4 के अध्याय 7 का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है केरल। तो बच्चों, केरल के बारे में आप जानते हैं? हाँ, केरल हमारे भारतवर्ष का दक्षिणी प्रांत का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। ये प्रदेश इतना हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जहाँ हर किसी की ये इच्छा होती है कि वो एक बार ज़रूर केरल प्रदेश की यात्रा और केरल प्रदेश का भ्रमण करे, यानी वहाँ जाकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। तो बच्चों, इस पाठ में हम विस्तार से केरल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आपको मालूम ही है कि भारत विविधताओं का देश है। विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं, यानी भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांत, अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग खान पान, तो इसी को ही हम विविधता कहते हैं। तो हमारा भारतवर्ष इन्हीं विभिन्नताओं और विविधताओं से भरा पड़ा है। भारत के जितने भी प्रदेश हैं, उनकी सभी की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं। ठीक उसी प्रकार केरल के लोगों का भी रहन सहन और उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ को, जिसका शीर्षक है केरल। मेरा नाम केपी रविंद्रनाथ है। मैं भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहता हूँ। देखो बच्चों, ये किसी ने अपना यहाँ अनुभव शेयर किया है इस पाठ के माध्यम से, और जो उस अनुभव को साझा कर रहे हैं उनका नाम है केपी रविंद्रनाथ। तो वो लिख रहे हैं कि मैं भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहता हूँ। देखिए, जहाँ इंसान रहता है ना, वहाँ उस धरती के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है। तो जो लेखक है वो कहता है मेरी धरती। देखिए कितनी आत्मीयता के साथ उस प्रदेश को वो अपनी धरती बता रहा है। मेरी धरती नदियों, नहरों और झीलों की धरती है, यानी केरल प्रदेश नदियों, नहरों और झीलों का प्रदेश है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। मेरे केरल प्रदेश की यात्रा करके मन मुग्ध हो जाता है। मुग्ध का मतलब होता है खो जाना, यानी यदि आप केरल प्रदेश की यात्रा पे जाओगे तो आपका मन वहाँ खो जाएगा, वहाँ की सुंदरता में आप खो जाओगे। वहाँ का सौंदर्य आपको आनंद से भर देगा। तो इस प्रदेश के नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर सबका स्वागत करते हैं। समुद्र की लहरें स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जब आप समुद्र की लहरों के पास, समुद्र के तट पर जब वहाँ आप जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें आपका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगल से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव
स्वच्छंद घूमते हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लगून हैं, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। अच्छा, देखिए लगून किसे कहते हैं। अब लगून के बारे में यहाँ बताया गया है कि ताज़े पानी का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है, उसे हम लगून कहते हैं। केरल प्रदेश की जो मातृभाषा है वो मलयालम है। इस प्रदेश के लोग सादा जीवन बिताते हैं और उनके अंदर एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है कि वो लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। आर्द्र का मतलब होता है नमी से युक्त। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं, यानी यहाँ का पहनावा है, पुरुषों का पहनावा है लुंगी और कमीज। स्त्रियों को सफेद कपड़ा पहनना अच्छा लगता है और जो वहाँ की महिलाएं हैं वो सफेद साड़ी पहनती हैं, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी करना और मछली पकड़ना है। केरल वासियों यानी केरल में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, जो मुख्य काम धंधा है, वो खेती बाड़ी करना है और मछली पकड़ना है। चावल और मछली केरल वासियों का प्रिय भोजन है। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांबर, उपमा आदि पौष्टिक भोजन को आज देश भर में पसंद किया जाता है। केरल प्रदेश का मुख्य त्यौहार ओणम है। जैसे उत्तर भारतीयों का मुख्य त्यौहार होली और दिवाली होता है ना, ऐसे ही केरल प्रदेश का जो मुख्य त्यौहार है वो ओणम है। उस त्यौहार का नाम ओणम होता है। यह अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रारंभ में मनाया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन लोग सवेरे से ही नहा धोकर ढेर सारे फूल चुनते हैं, उनसे रंगोली बनाते हैं। उस दिन विशेष रूप से नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसा देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। केरल प्रदेश में मसालों का खजाना है, यानी केरल प्रदेश मसालों से परिपूर्ण प्रदेश, यानी वहाँ मसाले अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। जैसे कौन कौन से मसाले बनते हैं? काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, इलायची आदि का खूब उत्पादन होता है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। केरल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। ये लोग कहीं भी रहें, इनके मन में देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर, सुषमा कहते हैं सौंदर्य को, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा अति मनमोहक होती है। तो बच्चों, आपने देखा ना केरल प्रदेश के बारे में कितनी बातें आज हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ी, कितनी बातें हमने केरल प्रदेश के बारे में जानी।
अंत में इस पाठ से हम क्या सीख रहे हैं वो एक लाइन में यहाँ बताया गया है कि केरल भारत का मनोरम और महत्वपूर्ण प्रदेश है। मनोरम का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर, महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट। तो केरल भारत देश का बहुत ही मनोरम और महत्वपूर्ण प्रदेश है। आइए बच्चों, अब हम पाठ की शब्दार्थ करते हैं। त्योहार यानी पर्व, हरियाली हरा भरा, परिश्रमी मेहनती, पौष्टिक संतुलित, ज्ञान शिक्षा, यात्रा सफर, स्वच्छंद बंधन मुक्त, गर्व अभिमान, व्यवसाय कारोबार, आरंभ शुरुआत, उत्पादन पैदावार, मनमोहक मन को मोहने वाला। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पाठ के अभ्यास में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए इसके तहत पहला प्रश्न है, केपी रविंद्रनाथ भारत के किस प्रदेश में रहता है? तो आपको इसका उत्तर पता ही है, केपी रविंद्रनाथ केरल प्रदेश में रहता है। अगला प्रश्न है, केरल में झूम झूम कर सबका स्वागत कौन करता है? इसका उत्तर होगा, नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर सबका स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, केरल प्रदेश की मातृभाषा क्या है? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था, मलयालम केरल प्रदेश की मातृभाषा है। अगला प्रश्न है, केरल प्रदेश में किन चीजों का खजाना है? तो इसका उत्तर होगा, केरल प्रदेश मसालों का खजाना है। अगला प्रश्न है, केरल प्रदेश का मुख्य त्योहार क्या है? तो इसका उत्तर होगा, केरल प्रदेश का मुख्य त्योहार ओणम है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर। यहाँ पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। केरल में किसका पेड़ सबका स्वागत करते हैं? इसका उत्तर होगा, नारियल का। अगला है, नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में किसका त्योहार मनाया जाता है? उत्तर होगा, ओणम। अगला प्रश्न है, केरल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है, कौन सी भाषा है बताइए? यस, मलयालम। केरल प्रदेश किस क्षेत्र में सबसे आगे है? शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में एक केरल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकतर लोग शिक्षित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे अग्रणी राज्य है, यानी पहले स्थान पर है।
चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। आपको शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को एक एक करके हमें उचित खाली स्थान में भरना है। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। केरल के पूर्वी भाग में डैश है, बताइए क्या है? पर्वत। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। केरल की स्त्रियों को डैश कपड़े पहनना पसंद है। कैसे कपड़े पहनना पसंद है, आपने पाठ में भी पढ़ा था, सफेद। अगला प्रश्न है, केरल प्रदेश का मुख्य त्योहार डैश है। केरल प्रदेश का मुख्य त्योहार ओणम है। अगला वाक्य, केरल प्रदेश में मसालों का डैश है। क्या है मसालों का? खजाना। केरल प्रदेश में मसालों का खजाना है। ओणम के दिन नौका दौड़ का विशेष डैश होता है। क्या होता है? आयोजन। ओणम के दिन नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को यहाँ हल किया। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।